कौशल शाह, ग्रुप सी आकाश हेल्थ केयर द्वारका का इस समय बुरी तरह से असमंजस में हूँ कि हम लोग कैसे काम चलाए अपने मरीजों का। हमारे पास अभी 233 पेशेंट्स एडमिट हैं कोविड के, जिनमें से 75% पेशेंट्स ऐसे हैं जो केवल ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं, जो केवल ऑक्सीजन के कारण अपनी सांस ले पा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों के पास ऑक्सीजन जो बची है वो केवल 1 से 1.5 घंटे की बची है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम कैसे काम चलाएंगे इनके लिए, क्या करेंगे इनके लिए। हम सब तरफ कोशिश कर चुके हैं, पूरी हमारी अथॉरिटीज वाले, हम सब के सब लोग लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम भाग रही है इधर से उधर ट्राइंग टू अरेंज कि कहीं से ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन कोई हेल्प हमको मिल नहीं पा रही। कल दिल्ली पुलिस ने हमको थोड़ा हेल्प किया जिससे हमको कुछ सिलेंडर्स मिल पाए, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी देर तक हमारा काम चल पाया। हम वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। जो हमारी ऑक्सीजन की गाड़ी दूसरे स्टेट से आनी होती है, टैंक जो फिल करेंगे जिससे हमारा पूरा काम चलेगा लिक्विड ऑक्सीजन का, वो आ नहीं पा रही है, दूसरी स्टेट्स वाले उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली इन ए बैड शेप राइट नाउ। ये जिंदगी कैसे हम बचा पाएंगे मुझे नहीं समझ आ रहा है। वी आर इन अ डायर नीड ऑफ सम हेल्प। द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी हु हैज द रिसोर्सेज टू हेल्प आउट, वेदर इट इज अदर ऑपोजिशन पार्टीज, वेदर इट इज big businesses who may be able to contribute in some form or manner, whether it is medical professionals and staff, he needs to communicate, he needs to talk to them. The country needs reassurance. The country needs to know that somebody is in charge and that person cares about them. The country needs to know that every single life matters and that the government is there to provide support, provide assistance. There is report after report of people. I mean, what shall I even tell you? In UP, the situation is thus that if you have to get an admission in a hospital, you need a slip from the CMO. You need to go through a bureaucratic hurdle before you can get somebody admitted into a hospital, before he can get remdesivir administered. I have even written to the Chief Minister. The government cannot be an aggressor when there is such a massive aggressor in front of us already. The whole country is battling the pandemic. Should they battle the government also? The government needs to be sensitive at this time. The Prime Minister needs to show up. He needs to get off the stage of the rally where he's laughing and cracking jokes. He needs to get off and he needs to come here and sit in front of people and talk to them and tell them what he is doing. How is he going to save lives? There is a huge crisis in our country. And I'm sorry, but if you cannot see it and you're going to be blind and you're going to try to hide facts and you're going to do अंसारी चौक के अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हो उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से हमारे देश से चले जाए।